बिहार के डीजीपी यानी कि गुप्तेश्वर पांडे, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे दोस्तों यानी कि 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत ने हम सबको छोड़कर अलविदा कह दिया था, उस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गया था। इनफैक्ट उन पर ये आरोप भी लगा रहे थे या फिर गंभीर आरोप थे उनके ऊपर कि वो जो हैं अब सत्ता में आना चाहते हैं और वो रिटायरमेंट के बाद जो है सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए वो अपना नाम बना रहे हैं और उन पर ये तरह तरीके के आरोप लगे। लेकिन अब दोस्तों आप लोगों को मैं असलियत बताना चाहता हूँ। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे और गुप्तेश्वर पांडे जी आखिरकार क्या कहते हैं दोस्तों? अब वो भगवान के चरणों पर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो कहते हैं कि मेरी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाली ये सारी बातें झुठलाई जाती हैं, झूठ हैं, और मैं जो है भगवान के चरणों में अपने आप को नमन करना चाहता हूँ। गुप्तेश्वर पांडे दोस्तों यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमें लगता है कि मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें हैप्पी करती है, लेकिन असल जो हैप्पीनेस है वो भगवान के लिए है, भगवान के पास है। एंड मैं अब भगवान का सर्वेंट हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। सो, गुप्तेश्वर पांडे ने तो दोस्तों कह दी है बड़ी बात, और ऐसे में वो यही बात कहते हैं कि अब मैं पूरी अपनी ज़िंदगी भगवान के चरणों पर गुजारूंगा। आप लोगों को क्या है कहना इस बात को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो गुप्तेश्वर पांडे जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गए थे और उन्होंने जो है काफ़ी टीम्स भी बनाई थी, जो टीम्स बिहार में आकर चीज़ें कर रही थी। सो आपका रिएक्शन फटाफट बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा पूज।